वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इसमें हम लोग देखेंगे ये जो आपका 3 पॉइंट ये जो 5 अगला वाला मिलेगा आपको, उसमें वज्र गुणन विधि एक आएगा। आखिर ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला देखिएगा, थोड़ा सा उटपटांग सा है, कहाँ बी है, कहाँ सी है, फिर कहीं पे सी है, कहीं पे ए भी ऐसे हो जा रहा है। ये फॉर्मूला आप याद कैसे रहेंगे, इसका 2 तरीका हम बताएंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है रटने की जरूरत, ठीक है। और इसके जरिए आप एक एक क्वेश्चन, ये तीनों मैथड आप डीपली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पहला हम प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं, दूसरा आपको विलोपन विधि बता चुके हैं। एक ठो विलोप हो जाएगा, मतलब एक ठो कट जाएगा, और ये है वज्र गुणा विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है तिरछा तिरछी, क्रॉस क्रॉस इसको बोलते हैं ना, क्रॉस इसको, तो ऐसे ही ये गुणा होता है, तब जाके ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करने का तरीका समझिएगा। देखिए, जाहिर सी बात है वज्र गुणन विधि है, और ये 3 लेसन में है तो 2 ठो समीकरण दिया होगा। कैसा समीकरण देता है, मान लीजिए कि यहाँ पे देता है 2x + 3y, ऐसे ही कुछ कोई नंबर दे देगा, ठीक है, 2 ठो वेरिएबल है। यहाँ अगर दे दे 3x + 4y, और यहाँ पे दे दे कोई नंबर, ये वाला मान लीजिए कि नंबर हो गया। अब हम लोग पता है क्या करते हैं, पहला वाला क्या है, A1 है, ये बी है और ये सी है, ये भी ए है बी है और ये क्या है सी है। यहाँ तक समझ आए, तो इसको 1 2, यहाँ पे A1 B1 और C1, यहाँ पे A2 B2 और C2 मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, ये वाला मानते हैं। यही से ये फॉर्मूला बना है क्या, देखिए A1 / A2 है, क्या है B1 / B2 है, फिर क्या है C1 / C2 है, यही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, हमको ये वाला सेम टू सेम फॉर्मूला बनाना है, तो हम कुछ नहीं किए, A1 / A2 B1 / B2 और C1 / C2 लिख दिए हैं। यहाँ हम लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं y, और यहाँ लिख देते हैं O1। अब करेंगे क्या, ये वाला कैसे आएगा, तो देखिए क्या करेंगे, पहला x का निकालना है ना, तो यहाँ लिखिएगा x बट्टा, जो x का है तो x वाले पार्ट को ढक लीजिएगा और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन विधि है, गुणा करने वाला, तो तिरछा तिरछी गुणा। बी और सी हो जाएगा B1 और C2, फिर गुणा क्या होगा B2 और C1, -B2 और C1, समझ आए। जिसका हम लोग बात करते हैं उसको ढक लेंगे, यानी उसको हटा देंगे, और फिर क्या जो बचेगा उसमें तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। अब वाई का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, वाई का, तो वाई वाले को हम लोग ढक लेते हैं, इसको हटा देते हैं, और जो बच गया उसमें हम लोग गुणा कर देते हैं। तो वाई वाला में बचा है ये C2 C1 A2, और माइनस यहाँ का बचा है C2 A1, ठीक है। यानी कि हम ये इसको जब हटा दिए, मतलब हटाए, तो ये फिर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे था आपका B1 / B2, हम जब इसको हटा दिए तो यहाँ बचा था क्या C1 A2, और उसके बाद से C2 A1, वही चीज़ तिरछा तिरछी गुणा करके हम लिख दिए बराबर। यहाँ 1 है तो 1 लिखो, और जिसका निकालना है उसको हटा दो, उसको ढक लो, और बाकी को गुणा कर दो। यहाँ देखिए, जब ये 1 हट गया तो A1 और B2 और माइनस यहाँ पे A2 और B1। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना, पहला वाला में ऊपर से नीचे जाना है, दूसरा वाला में ये ऊपर से नीचे आना है, गुणा करना है, तीसरा वाला मतलब कि जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है उसको ढकना है, बाकी को तिरछा तिरछी इसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है, वही आपका। देखिए तो आपका हो गया कि नहीं, ये आपका एक मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, ध्यान देखिए दीजिएगा, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड यहाँ पे एक सर्किल आप बना लीजिए, यहाँ पे एक सर्किल बना, यहाँ हम लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी, शुरू करेंगे हम बी से, कहाँ शुरू करेंगे बी से, x y का ही तो वैल्यू निकाला जाता है, क्योंकि 2 चर वाला है तो कभी भी समीकरण में x वही आता है। बी से शुरू कीजिएगा, बी सी, फिर लिखिएगा सी ए, फिर लिखिएगा ए बी, x / BC। अब बी सी अगर लिखा है तो बी सी में से बी सी ही घटाइएगा, बराबर y है, बी सी हम लिख दिए, उसके बाद क्या है सी ए, क्या है सी ए, अब सी ए में से सी ए ही घटाइएगा, बराबर हम लिख बी से शुरू किए, बी से सी, सी से ए, अब क्या बच गया, ए से बी बच गया, तो 1 / A से
बी, और फिर इसमें से ए बी ही घटाइएगा। क्या कीजिएगा, बी सी में से बी सी ही घटाना है, सी ए में से सी ए ही घटाना है, और ए बी में से ए बी ही घटाना है। अब देखिए क्या लिखना है, एक दो, इसी को पलट के दो एक, एक दो दो एक, एक दो दो एक। देखिए तो यही आपका फॉर्मूला वज्रगुणन विधि बन गया कि नहीं, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है और ये समझ में आया होगा। यहाँ लिखिएगा ए बी सी, आप बी सी से लिखा, एक बार बी सी लीजिएगा, दो बार बी सी, दो बार सी ए, और दो बार ए बी, और एक दो दो एक, एक दो एक कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वज्रगुणन विधि समझ में आया होगा बहुत ही आसान तरीका से। अब इस पर आप क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब ये ए बी बी सी आपको बता चुके हैं क्या होता है, ये कहाँ से भरिएगा, तो ये आपको दो ठो समीकरण दिया रहेगा, वही तो भरना है। दो ठो समीकरण में जैसे मान लीजिए कि 2x plus 3y minus 4 ऐसे दे दिया है, और इसके बाद से 3x plus 4y plus 5, तो पहला वाला a है, ताई a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये ले जाके इसमें क्या कर देना है, सब में भर देना है, पहले वैल्यू लिखे, ऐसे ही बनाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे इसमें कि क्या क्वेश्चन होता है, और बहुत ही आसान तरीका से तीनों विधि अगर आप पढ़ लिए तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, नंबर तो जबरदस्त आएगा, 95 प्लस आपको लाना है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको डीपली कंप्लीट हो जाएगा, हर चीज का ट्रिक होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि आप वही चीज भूलेंगे जिस चीज को याद करेंगे, तो एक काम ना कीजिए, आप किसी चीज को याद मत कीजिए, कभी भूलेंगे नहीं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये बना कैसे, कुछ उसमें यूनिक ट्रिक निकालने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम आपके साथ हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।